ये जिहड़ी संस्था अज तुहानूं असीं विखाउण लिआए आ ये दर्दां दा दरिया है। हर बंदा इत्थे दुखी है। तुसीं किसे भी बैड कोले जाओ उत्थों तुसीं इन्नी ज़्यादा गमी तुहानूं मिलनी है कि इन्ने दुखी लोग होणगे। अज असीं इन्नियां ख्वाहिशां लैके इन्ने कारां कोठियां गड्डियां लैके भी खुश नहीं हाँ। घरां दे घर परिवारां दे परिवार आपसी नाराजगी आ, भाई भाई नाल लड़ रहा, पर इस जगह पर आके लगता है कि रब जिहड़ा है वो हैगा। क्योंकि जे असीं चंगे भले तुरे फिरदे जिहड़े आ वो फिर भी खुश नहीं आ, तां फिर इत्थे आके देखो इन्हां लोकां दे की हालात ने। इस संस्था की देख रेख करन वालियां दे विचों सीनियर प्रितपाल साडे नाल ने। प्रितपाल, बहुत वधिया लगा है कि तुसीं सेवा कर रहे हो, मनुखता की सेवा सब तो वड्डी है, किवें मैनेज कर लैंदे हो? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह जी। पहलां तां सारी संगत नूं इहनूं असीं नहीं मैनेज करदे वीरे, इहनूं उस काल पुरख वाहिगुरू की कृपा नाल सारा वो आप वाहिगुरू मैनेज करदा। असीं सिर्फ एक कोशिश करते हैं, असीं समां दे रहे हैं, करन वाला वो काल पुरख वाहिगुरू। बहुत वड्डी गल है, बिल्कुल करन वाला काल पुरख। आपां बैड टू बैड जे जाइए तां थोड़ा बहुत जानकारी दे लोगे कि जिहड़े ये मरीज आए है ये कौन सीगे, कित्थों सीगे, की इहनां दा पेशा सीगा? पहले बैड की गल करिए, माता राज राणी जी ने मलोट प्रिंसीपल रिटायर ने माता जी, तो इन्हों बेटे ने यह अमनदीप MBBS पास आउट आ लवली यूनिवर्सिटी तो। माता जी खुद प्रिंसीपल रिटायर ने मलोट तो असं लैके आए सी। बेटा इन्हों का इन्हें इंजीनियरिंग की हुई है, तो पटवारी का किया हुआ वो, ये सारा परिवार ही तीनों जोड़े आ इको परिवार के, इको परिवार के मैंबर ने। माता जी के दोनों बेटे ने, यह मैंटली अपसैट से बहुत ज़्यादा, सड़कों पर तुरे फिरते नहाते धोते नहीं सी। बाकी कोई इन्होंने परिवार है नहीं होर कोई नहीं, परिवार च घर के गंद मंद इकट्ठा किया हुआ, सड़कों तो चक चक गंद मंद खाते ही तुरे फिरते हूँ। तो फिर भी आए तो आए, तुम बहुत वधिया लग रहे हैं कि वाकई चलो किसी चंगे खानदान के, जिम्मे क्या प्रिंसीपल रिटायर से मत जी, एक वधिया परिवार को बिलोंग करते हैं, इदा की गल नहीं हैगी। बच्चा बलजिंदर सिंह जी, ये लुधियाने जिले का कालख पिंड आ, उत्थों का बच्चा, माँ बाप है नहीं है, तो दौरे पैंदे सी, दौरे पैण कारण ही तुसीं देख सकते हो चेहरे ते किन्नियां सट्टां लगियां हुई ने। दौरे पैण कारण इहदा ब्रेन आ जिहड़ा वो काफ़ी हद तक श्रिंक हो गया, किसी भी समय दौरा पैंदा, दंद भी टुट गए, तो हुण भी इहनूं होस्पिटल दे विच तां ही रख्या होया वी इहनूं एक्सट्रा केयर दी। इहदी साफ सफाई जिहड़ी हुंदी, खाणा खाउण तक तां ठीक आ, जिहड़ी लैटरिन बाथरूम आ उहदी साफ सफाई तां जिहड़ा हैगा बहुत औखा, किवें मैनेज हुंदा सर? ਉਹ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਖਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਔਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕਰਵਾਲ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ 42-43 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਬਾਪੂ ਦੇ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਬਾਪੂ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਜ ਪਈ ਪਈ ਸੀ, ਗੋਹੇ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਗੋਹੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਭੈਣ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੇਟੀ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੱਕਰ? ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਆਪਦੇ ਮਲਬਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬੈੱਡਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਟੋਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੈੱਡਾਂ 'ਤੇ। ਆਰਤੀ ਆ ਜੀ, ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆ, ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ ਬੱਚੀ, ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ 'ਚ ਗਿਰਨ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਜਲ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਾਪ ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ
वो वीडियो अगे शेयर करते भी उन्होंने कोशिश के नाल उन्हों का परिवार लभ जाए। संतोषी भूआ जी ने दतारपुर पेंड है जी हुशियारपुर के कोल मकेरियां के कोल उतों असी दिमागी हालत ठीक नहीं सी, दोवें अखों तो ब्लाइंड ने, काफ़ी समय लंबे समय तो नहाते नहीं सी, सैर से जटावा से खंडर बिल्डिंग के कोल कल ही लवार सालत दे विच बैठे सी, असी उतों लैके आए हाँ इलाज वास्ते। इदां ही माता सुरिंदर कौर जी ने इन्हां दे गठिए की बीमारी तो पीड़ित ने, शरीर चलता नहीं बिल्कुल भी, तो बापू जी से इन्हां दे हसबेंड बापू सरबजीत सिंह जी वो दोवें अखों तो ब्लाइंड सी, पटियाले शहर तो असी लैके आए सी बिडो कलोनी तो, बच्चा नहीं सी कोई घर दे विच कोई सांभ संभाल करन वाला नहीं सी। इसी तरह ही अंजलि भैण ते इहदी मम्मी आ ते जिहड़ा वीर खाना खवा रहा वो इहदा भरा वा, ये दोनों मामा तीआं तुसी देख सकते हो शरीर आ जिहड़ा जुड़ के बहुत छोटा बच्चियां वर्गा हो गया, दोनों के पासे गले पए सी, शरीर दे विच कीड़े पए हुए सी, बहुत माड़ी हालत दे विच भैन हुणी अपना जीवन बतीत करते सी, परिवार आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा कमजोर होण करके इलाज नहीं सी करा सकदे। ये स्टाफ जी साढ़े को स्टूडेंट ने शहीद करतार सिंह सराभा नर्सिंग कॉलेज तो, उतों ये स्टूडेंट ने बच्चे ये साढ़े को एक महीने के विजिट लई आउंदे ने, इत्थे साढ़े पेशेंटां दी केयर करनी आ, साडी एज ए वलंटियर हैल्प करन लई साढ़े को एक महीने का विजिट आ जिहड़ा उह कर रहे ने। ये परमजीत सिंह धामी अंकल ने जी, धामिया पिंड आ शाम चरासी के कोल, एक टीचर रिटायर ने, इन्हां दा नाल बेटा पिया वा, इह नाल इन्हां दी सिस्टर ने, यह परिवार भी दिमागी अपसैट सी बहुत ज़्यादा सारा, एक इन्हां दी सिस्टर उधर साढ़े फीमेल बोर्ड दे विच आ, पढ़े लिखे परिवार नूं बिलोंग करदे ने, समय दी मार ने आ हालात बनाते भी बहुत ज़्यादा अपसैट सीगे। प्रिंसिपल जिस तरीके दे नाल इह परिवारां दे परिवार ही जिवें दो तीन परिवार ही ने सारे, कोई जिन्ना चिर हो गया तुहानूं वर्क करदे नूं पता लगा कारण की रहिंदे ने कि सारा परिवार ही इंज हो जांदा? कारण बई जी आपां इही कह सकदे आं भी आपणिआं दा साथ ना मिलना जां आपदिआं दी कोई ठोकर मारी हुई बंदे नूं आह हालातां तक लै जांदी आ। जिवें हुण जिहड़ा प्यार घटदा जा रिहा, नफरतां वधदियां जा रहियां, कितें ना कितें स्थिति बंदा कल्लापन महसूस करदा ते डिप्रैशन च लैंदा, खून दे रिश्तिआं दे विच जिहड़ी आपां कह सकदे आं भाईचारक सांझ आ जिहड़ी बई जी घट गई, आपदिआं दे ही कितें ना कितें पैसे प्रॉपर्टी नूं लै के कह लो, किसी भी चीज़ नूं लै के कह लो, आपदिआं दे ही इह किसी ना किसी कारण कोई दुख तकलीफा दित्तियां होईयां ने, उन्हां कारण अज आह हालातां दे विच रामचंद ने जी सॉरी राम जग, इन्हां नूं असीं लुधियाणे तो मॉडल टाउन तो लैके आए सी, बहुत लंबे समय तो बापू इत्थे रिक्शा चलाउंदा सी, मेहनत मजदूरी करदा सी, किसी बंदे नूं उत्थे पैसे देई गए आपदे, जो भी मजदूरी इकट्ठी करदा सी, जो मेहनत कमाउंदा सी दसां नौहां दी किरत, वो बंदा इहदे पैसे पूसे लैके भज गया, बापू बीमार हो गया, दोवें अखां तो ब्लाइंड बापू बहुत माड़ी हालत दे विच, इक दुकाना दे मूहरे बड़ी नरक भरी जिंदगी बतीत कर रहा सी, रिक्शा भी कोई बंदे दा उत्थों चाक के लै गए, सानू पता लग्या तां असीं ले आए, अगे आई बापू पए ने, तुसीं देख सकते हो बाँह काली हुई पई आ, सारी बाँह गली हुई सी बापू की, बहुत माड़ी हालत दे विच बापू नूं लैके आए सी, सारी बाँह गली हुई सी। इदां ही वीर प्रशादा छकी जांदा वा जैक शोरा, असीं इन्हां नूं लुधियाणे रेलवे ट्रैक ते इन्हां दा एक्सीडेंट होया, तो कुछ बंदयां ने चक के इन्हां नूं सिविल हस्पताल च एडमिट कराया, दोवें लत्तां कट्टियां गईयां बापू दियां, इक बाँह भी कट्टी गई, इत्थों चक के बंदयां ने जो सिविल हस्पताल दाखिल कराया तो उन्होंने अगे रजिंदरा रैफर करता, उन्होंने सामभ संभाल नहीं की, यदि प्रॉपर अंग जिहड़े आ डॉक्टर मुताबक दस्या गया भी बच सकते सी पर कट्टे गए ना केयर करन करके, उत्थों फिर पता नहीं हस्पताल वालिआं ने किवें की सोचिआ इहनूं चक के उत्थे पटियाले शहर के बाहर एक फ्लाईओवर के थले सुट्टिआ आंदा, जिथों कोई वीर साडियां वीडियो देखदे सी उन्होंने साडे नाल राबता कीता, इहदी वीडियो नूं इहदे हालातां नूं साडे नाल शेयर कीता, तो असी इत्थे ले आए, उस टाइम लत्तां गलियां पईआं सी दोवें बहुत ज़्यादा। जिवें लोग आए ने सारे ये विजिट कर रहे ने, ये कौन ने, पेशेंट दे नाल ने या कौन ने लोग? नहीं जी, ये फैमिलियां जिहड़ियां आउंदियां ने, इन जिहड़े वीडियो देखदे ने इन्हां दे हालातां तों जाणू होण लई वी अज उहनां दे हालात की ने, जिन्हां नूं ओह वीडियो च देखदे ने कि ओह वाकई जिवें असी वीडियो दे विच दिखाउने आ वी असी उवें ही उहनां दी सांभ संभाल भी करदे आ, ओह चीज़ देखण लई जां कुछ जिवें सानू मटीरियल की जरूरत होंदी आ साडे परिवार दीआं जरूरतां नूं पूरियां करन लई साडे कोले आउंदे ने, सारी संगत नूं पता जिवें असीं वड्डे परिवार नूं चलाउणा आ उत्थे खाणा भी खाणा, इहनां दी साफ सफाई वास्ते जिहड़े मैडिकल जिहड़ियां चीज़ां ने दस्ताने ने चाहे होर कई ऐसियां बहुत दवाइयां तक बहुत महंगे महंगे इलाज ने वो भी जरूरी ने, उहदे वास्ते भी हैल्प जिहड़ी आ उह संगत वल्लों जिहड़ी होणी जरूरी जी जी, उही हैल्प लई संगत आ रही आ, सारी संगत नूं अक्सर वीडियो च दसदे आ भी असीं पैसे नहीं लैंदे,
ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੇਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੀ ਆ।